तो सेवन थीटा देखो, तो सिंपल सा डिस्कशन आता है आपका। यहाँ पर मैं बात करूं कि अगर दो चार्जेस है, तो दो पॉइंट चार्जेस के लिए अगर मुझे डिस्कस करना हो कि दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो सिंपल सा लॉ है बच्चे हमारे पास, कूलम्स लॉ। नो डाउट जो हम लॉ 2 मिनट में पढ़ लेते हैं, इन्होंने बहुत सालों में इसको डिस्कस किया था, कवर किया था, डिस्कवर किया था। एक कूलम्स लॉ ये दो बातें बेटा कहता है। पहली बात कि जिन दो चार्जेस को आप एनालाइज करना चाहते हैं, ये क्या देता है? इट गिव्स इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ओके, दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं बेटा, ये बताता है। अब बताते हैं ये पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज का मतलब बच्चे सिंपल सा होता है, अगर आप कोई पॉइंट चार्ज लेते हो तो उसके डेफिनेशन, पॉइंट का मतलब क्या हुआ? उसकी जो लीनियर डायमेंशन हो, है ना, उस तो उसका रेडियस होगा, लेंथ होगा, लीनियर डायमेंशन इज वेरी स्मॉल। अब छोटा होना चाहिए, कोई भी चीज छोटी होगी तो किससे कंपेयर? वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स बेटा लिए हैं उनके कंपेयर, उनके बीच के डिस्टेंस, लीनियर डायमेंशन मस्ट बी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। ये पॉइंट पक्का? सर ठीक है, आप हमें कूलम्स लॉ समझाइए क्या होता है। तो देखो क्वालिटी वाइज ये चार्ज कैसा है सबको पता, फोर्स कैसा है सबको पता। अगर मेरे पास एक प्लस चार्ज हो, लेट्स से चार्ज Q1 है, कुछ तो होगा ना चार्ज। ये दूसरा चार्ज है, लेट्स से Q2 है। वी ऑलरेडी नो कि भाई ये चार्जेस एक दूसरे को कैसे पुश करते हैं, तो पता लगा से Q1 Q2 को अगर ये पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा। और बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से सुनना, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम रिपेल करेंगे, अलोंग द लाइन। सीधी सी बात है, ऐसा नहीं होने वाला है कि सर अगर ये दो बॉडीज हैं तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कहीं इधर लग जाए। सर दो बॉडीज हैं अगर आपकी, तो सर डायरेक्शन पहले से पक्की है, फोर्स कैसे लगेगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग। ये Q1 Q2 को ऐसे पुश करेगा, और न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग Q2 पे Q1 को। एक चीज देखो बहुत बढ़िया से, क्या ये दो फोर्सेस लगाने के लिए क्या Q1 को Q2 को टच करना जरूरी है, दूर से फोर्स लग रहा है? तो ये फोर्स किसका एग्जाम्पल है? एक्शन एट डिस्टेंस। जैसे आप किसी ग्लास को उठाना चाहो तो टच करके उठाना पड़ता है ना, तो फोर्स लगाने के लिए क्या टच करना जरूरी है इस बार? नहीं सर, Q2 को दूर से ही पुश कर पा रहा है। अब बात आती है फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। तो भाई कुलम ने अपनी पूरी रिसर्च से निकाला कि फोर्स एक तो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। जब चार्जेस लेंगे बच्चे, तो जैसे से दूरी आपकी बढ़ेगी वैसे से फोर्स वीक होता जाएगा। ऑफ कोर्स ये फोर्स लॉन्ग डिस्टेंस होगा, पर जितना पास होगा उतना बेहतर होगा। अब बात आती है प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं, तो बच्चे एक बात समझो, 1 कूलम का चार्ज ले लो, क्योंकि मुझे पता है बहुत मुश्किल है, 1 कूलम का एक और चार्ज ले लो और 1 मीटर पे रख दो, तो क्या कुछ फोर्स आता है? तो इनके बीच में फोर्स आएगा। अब वो फोर्स बेटा जब निकालोगे तो आप सबको पता लग जाएगा यहाँ पर कि फोर्स किसके इक्वल होगा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बार स्क्वायर है, और प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए आप बच्चे कांस्टेंट लाते हैं। कांस्टेंट को आप चाहो तो C भी लिख देते हैं, पर ट्रेडिशनली K लिखा जा रहा है तो हम भी K लिख देते हैं, हालांकि आप इसे C लिखेंगे तो भी चलेगा। अब कांस्टेंट है तो उसकी कुछ वैल्यू होगी बेटा। ये कांस्टेंट जो आता है वो 9 × 10⁻⁹ आता है ना, क्या? जब आप सारा सिस्टम MKS और SI लें, तो MKS SI के बारे में पूछो सर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी? 9 × 10⁹। जरा यूनिट बताओगे क्या होगी? K की यूनिट बोलो बच्चे क्या होगी? K होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देखो K की यूनिट बोलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर, इससे K की यूनिट पता लगेगी। तो K की यूनिट को पूछे तो कितनी हो जाएगी? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। तो K बेटा आपका आता है इस तरीके से 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। क्योंकि ये डायमेंशनलेस नहीं है, तो पक्की बात है इसकी यूनिट चेंज करोगे तो आंसर भी चेंज होएगा। तो ध्यान रखना के 9 × 10⁹ है MKS SI में, तो
अब एक बात पक्की हो गई, दो चार्जेस अगर मैं प्लस लेता हूँ, छोटे छोटे से चार्जेस, पॉइंट चार्जेस आर डिस्टेंस पे रखे हूँ, तो क्या वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे? क्वालिटी क्लियर थी रिपल्शन, अब हमें क्वांटिटी भी क्लियर है, इतने फोर्स से रिपेल करेंगे। यहाँ पे के की वैल्यू सबको क्लियर है, 9×10⁻¹। ओके, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। कल को बच्चे ऐसा हो जाए कि एक प्लस हो, सामने माइनस हो, डिस्टेंस बेटा मैं आर मान लेता हूँ, चार्ज Q1 Q2 मान लिया, तो क्या ये प्लस सामने वाले माइनस को अपनी तरफ खींचेगा? हाँ सर, ये वाला माइनस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। सब फोर्स अट्रैक्शन का होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड बोलो कितना होगा? 9×10⁻¹ Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट तो नहीं बेटा? ये क्लियर है डिस्कशन? अब एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा मैं देता हूँ आपको। मेरे पास एक प्लस चार्ज है, एक दूसरा प्लस चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्ज है, एक का चार्ज Q1 Q2, Q1 का मैग्नीट्यूड बेटा बता दिएगा कितना है? 15 माइक्रो कूलम। Q2 का मैग्नीट्यूड बेटा आपको बता देगा 25 माइक्रो कूलम है। और बच्चे इनके बीच के डिस्टेंस बेटा आपने यहाँ पर लेट से 5 सेंटीमीटर जैसे अज्यूम कर लिया, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दोनों पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। ओके, अगर 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस दो पॉइंट चार्ज बेटा रखे हुए हैं, तो श्योरली बेटा ये दोनों जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 के बीच का इंटरेक्शन फोर्स बताइए क्या होगा? बताइए बेटा आंसर। 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, बीच वाला स्पेस में कोई और चार्ज नहीं है, वैक्यूम है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। Q1 Q2 को पुश करेगा, Q2 Q1 को पुश करेगा, बताइए फोर्स कितना होगा? तो अभी फोर्स का बेटा डिस्कशन मैं पूछूं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो तो क्या आएगा? आपने कहा कि सर दो चार्जेस के इंटरेक्शन के लिए ही तो कूलम ने इतनी मेहनत करी थी, इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एमके सिस्टम में 9×10⁻¹ यूनिट, देखो दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। चार्ज फर्स्ट चार्ज इज 15 माइक्रो कूलम, सेकेंड चार्ज इज 20 माइक्रो कूलम। सर माइक्रो कूलम का 10⁻¹² आपने निकाल दिया, माइक्रो माइक्रो 10⁻⁶, 10⁻⁶। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इज बेसिकली 5×10⁻², मीटर। तो ये स्क्वायर आ गया, ये यूनिट क्लियर है ना बच्चे? नीचे वाली क्या है? सर ये मीटर स्क्वायर बना। ऊपर वाली वैल्यू क्लियर है बेटा क्या बनी आपकी? सर कूलम स्क्वायर बना। सबको क्लियर है कूलम स्क्वायर कैंसिल मीटर स्क्वायर। तो अब मेरा आंसर पक्की बात है, गारंटी के साथ किसमें आने वाला है? न्यूटन में आने वाला है। तो बोलो वैल्यू क्या बनी? 9×10⁻¹⁵ × 10⁻², डिवाइड बाय 25×10⁻⁴। क्या यहाँ से कुछ डाटा बेटा कैंसिल हो सकता था? 25 कैंसिल, ऊपर वैल्यू देखना, 10⁻⁹ और 10⁻⁴ मिलकर कितना हो जाएगा बेटा? 10⁻⁹, और 10 से कैंसिल करोगे 10⁻², से तो आपके वैल्यू बेटा इस तरीके से आ गए। काम करो, थोड़ा सा फोर्स का मैग्नीट्यूड कम कर लेते हैं, तो मैं 1.5 माइक्रो कूलम मान लेता हूं। जस्ट ऐसा करने से मेरे लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो बच्चे बताना आंसर क्या बना? 9×1.5×10⁻¹⁰। तो आपका जो फोर्स आया बेटा 135 न्यूटन आया। तो एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज को रिपेल कर रहा होगा, नो डाउट बेटे। चार्ज मैंने आपको बोला कूलम भी बड़ा चार्ज होता है, माइक्रो कूलम भी बड़े चार्जेस हुए, और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स इनके बीच में आ रहा होगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं बेटा? अब इसी क्वेश्चन को बेटा दे क्या करो, मैकेनिक्स में लेके जाओ। चेयर चार्ज क्लियर है ना बेटा? कौन कौन से लिए? 1.5 25 बेटा आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, ये चार्जेस को जो हम इसको एप्लीकेशन पे इसी क्वेश्चन पे ले जाए बेटा। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिया, देखो ये आपके पास एक रूफ से आपने एक इंसुलेटिंग थ्रेड है, नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से एक बॉल आपने हैंग करी, और नीचे आपने एक बॉल और रख दी। ये बॉल बेटा आपको कैसे दी गई? प्लस चार्ज की, ये माइनस चार्ज की दी गई। इस बॉल का मास बच्चे आपने कितना मान लिया? 4.5 kg, है ना? ये जो बॉल हवा में ऊपर टैंक हैंग करके रखी हुई थी बेटा, टंगी हुई थी, ऊपर वाली बॉल के लिए बेटा आपने चार्ज कितना मान लिया यहाँ पर? 1.5 माइक्रो कूलम। नीचे वाली बॉल के लिए बेटा
चार्ज कितना मान लिया 25 में, ये भी किस पे, इंसुलेटिंग थ्रेड पे है ना, और इनके बीच का गैप बच्चे मैंने कितना मान लिया सर 25 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर आप गैप मानिए बेटे, आपको जो आपने पहले लेके चले 5 सेंटीमीटर का आपने यहाँ पर इनके बीच का गैप रखा। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, अगर ऐसा है तो फाइंड टेंशन इन थ्रेड, जो थ्रेड लिया है बच्चे उसमें टेंशन कितना होगा। ओके, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये आपसे पूछा जा रहा है टेंशन थ्रेड कितना होगा। ये जो 1.5 कूलम वाला बेटा चार्ज लिया आपने, इस पे ध्यान से देखो फोर्सेस कौन से लग रहे होंगे। अब याद है बेटा फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते थे, फ्री बॉडी डायग्राम में कैसी भी बॉडी उसको किससे रिप्लेस करते हैं बेटा, सिंपल डॉट से। तो आपने अगर 4.5 kg वाली बॉडी का डायग्राम बेटा आपको देखना था, तो इस पे जरा फोर्सेस देखो बॉडी को डॉट से, और जो लगने वाले फोर्सेस होंगे, जो उस पे फोर्सेस लगेंगे उनको किससे शो करेंगे आप, एरोस से। तो बताओगे फोर्स कौन कौन से होंगे, 1.5 कूलम, 25 कूलम, ये वाली बॉडी इसको नीचे खींच रही होगी, प्लस माइनस के बीच का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये बॉडी हवा में है तो इसको अर्थ डाउनवर्ड खींचोगे बेटा कितने फोर्स से, mg से। नो डाउट ये बॉडी चल पड़ती अगर मैं यहाँ पे इस थ्रेड को कट कर देता, पर ये थ्रेड है ना, इस थ्रेड ने बॉडी को नीचे जाने से रोका होगा। और सबको पता है बेटा ये बॉडी रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो सर कैसे इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है सर, ये बॉडी नहीं चलेगी, बॉडी नहीं चलेगी, इसका मतलब नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए। तो श्योर है टी जो फोर्स होगा बेटा बैलेंस होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और एम जी से। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मास कितना दिया गया बेटा, 4.5 kg, तो ये 45 हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बेटा अगर आप मन कर, चलो एक बार फिर से निकालो सही, कुछ बच्चों को पहले ना समझ आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालो तो सही। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा बच्चे बोलो 9 × 10⁻¹ × Q1 × Q2 ओके डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो 25 × 10⁻¹। क्लियर है ना, तो वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपके आसान से कितना आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करके देखिए बेटा आपका पहले आंसर बेटा कितना था 135 न्यूटन, तो अब फिर से आंसर बेटा आपको 135 न्यूटन यहाँ पे आएगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डाउनवर्ड होगा 135 हो जाएगा, बॉडी का वेट टेंशन पूछा जाए तो टेंशन की वैल्यू 180। ठीक बच्चे, अब ठंडे दिमाग से सोचो अगर मैं इसी क्वेश्चन में रिप्लेस कर देता है ना, कि सर सब कुछ वैसे ही रहता सर जैसे आपने बनाया, सर ये ऐसे रहता, यहाँ पे एक ब्लॉक रहता, लेकिन इस बार ब्लॉक को बेटा मैं किससे सपोर्ट करता है, स्प्रिंग से। तो क्वेश्चन में यही बन सकता था कि सर अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट है तो बताइए एलोंगेशन स्प्रिंग कितना होगा, एलोंगेशन स्प्रिंग का क्वेश्चन आता तो फोर्सेस बताओ कौन कौन से आते हैं, अब डाउनवर्ड होता बेटा कौन सा बोलो, वेट कितना है बॉडी का 45, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता कितना 135, और अपवर्ड फोर्स कितना होता, स्प्रिंग फोर्स को हम किससे लिखते हैं kx, तो आपसे एलोंगेशन स्प्रिंग पूछा जा सकता था। तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा, मैकेनिक्स की तरफ चलने चालू हो जाते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम डाटा पे, सब कुछ डाटा सेम रखा, देखो बढ़िया सा आंसर बताना बच्चे। यहाँ पे आपने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, इस इंक्लाइंड प्लेन का बच्चे एंगल आपने थीटा मान लिया, वही जो दो चार्ज आपने थोड़ी देर पहले बनाए थे कौन से 1.5, 25 और 5 के, ठीक है ना, से 25 कूलम का चार्ज बेटा आपने यहाँ रख दिया, यहाँ बच्चे आपने 1.5 μC का चार्ज रखा, और इनके बीच का डिस्टेंस बेटा एज यूजुअल जो हम लोग डाटा चेंज नहीं कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा। क्लियर, ये जो बॉडी बेटा आपने ली है यहाँ पर, इसका मास बेटा बता दिया कितना आ रहा है बेटा 27 kg, हैवी बॉडी है। 27 kg की बॉडी किसमें है सर, दिस 27 kg बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ना वो नीचे जा रही है ना वो ऊपर जा रही है। अगर 27 kg बॉडी बेटा इक्विलिब्रियम में है तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्लियर, आपने बेटा जो 27 kg वाली बॉडी रखी है बेटा, इसका जब फोर्सेस काउंट कर दो कौन कौन से होंगे बेटा बोलो। इसका एक वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसी डायग्राम को बेटा मैं यूज कर ले रहा हूँ, दिख रहा है वेट कितना होगा mg से, ये वाला प्लस इससे रिपेल मार रहा होगा, कितने फोर्स से बेटा, ये बाई चांस हम निकाल चुके हैं 25, 1.5 और 5 पे जो फोर्स आ रहा है बेटा कितना आ रहा था आपका 135 न्यूटन। और एक बच्चे यहाँ पे क्योंकि सबके साथ टच में होगा तो एक आपके पास बेटा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा।
अब देखो अगर मुझे फोर्सेस रिजॉल्व करने हैं तो एन है, 135 है, एम जी है, तो फोर्सेस के बारे में बात की जाए तो कौन कौन से फोर्स बेटा, देखो 135 से आप धक्का दे रहे हो, ये प्लस इसको जोर से धक्का दे रहा है 135 से, दूर मार रहा है, पर ये नीचे ऊपर जा रहा है ना, नीचे आ रहा है, इसमें कोई एक फोर्स नीचे जो होगा वो 135 से बैलेंस होगा ना, वो कौन सा फोर्स होगा? तो आपको अगर सीधी सी बात है बेटा, अगर ये एंगल लिखा जाए तो ये थीटा हुआ, तो ये 90 दिख रहा है साफ साफ, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, तो जिससे एंगल मेजर करते हो उस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस, और नीचे कौन सा कंपोनेंट होगा? साइन। तो अगर मुझे बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो अगर ना बॉडी ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो एम जी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 135। एम जी साइन थीटा किसके इक्वल होगा? 135। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 135 डिवाइड बाय एम जी। बॉडी का मास बेटा कितना लिया आपने? 27 kg। जी की वैल्यू आप 10 ले लीजिए तो ये आंसर आ गया 1/2, एंड थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। कुल मिला के बेटे बात ये आई सिंपल सी कि जो मेरा एक के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर फोर्स है, ये मेरे को और लगाना है। सब शर्तें पता है, कंडीशन अप्लाइड है, ऐसा नहीं कि कभी भी लगा दोगे। कल को ऐसा सवाल है, एक बॉडी बड़ी है एक बॉडी छोटी है, सर नहीं लगेगा। दोनों बॉडी का अगर साइज कैसा होना चाहिए? नेगलिजिबल। फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। इसके लिए चार्जेस का रुका होना बहुत जरूरी है। पक्का? कोई डाउट तो नहीं? अब एक क्वेश्चन बच्चे इसमें हम लोग और करते हैं। तो देखो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या किया बच्चे आपने? आपने क्या करा? दो आइडेंटिकल बॉल्स ली, उनको बेटा एक ऐसे बॉल्स को रब किया। जैसे बेटा अगर आइडेंटिकल बॉल्स को रब करोगे तो ड्यू टू फ्रिक्शन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज आपका ट्रांसफर हो गया। ठीक, सिंपल सा आ गया बेटा। यू हैव गॉट टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब दोनों के मास क्या मान लिए जाए सेम है, तो आइडेंटिकल बॉल्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट बेटा रब करते हैं आप। ठीक है, अब आप बॉल्स को रब करते हैं और आपको पूरा डायग्राम बेटा, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि सब बॉल्स को आपने एक थ्रेड से हैंग कर रखा, ये बॉल ए जो थी बेटा ये भी थ्रेड से हैंग थी, ये बॉल बी भी थ्रेड से हैंग थी। देखो जब तक ये टच नहीं किए थे तब तक इनके पास चार्ज था ही नहीं, तो ना ए बी को ना बी ए को कोई दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहा होगा। लेकिन बच्चे जब आप इन दोनों बॉल्स को आपस में रब करके ऐसे रब करके अलग करोगे, तो अलग करने से बेटा क्या होगा? एक बॉडी प्लस और एक बॉडी माइनस हो गई। तो रब करने के बाद जब बच्चा आपने अलग किया है ना, तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से आ गया, ये प्लस और ये माइनस। क्लियर? तो क्वेश्चन में दिया गया था जो हैंगिंग पॉइंट था बेटा उनके बीच का गैप कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर। रव करके अगेंस्ट लिखा बेटा आपने, तो इक्विलिब्रियम में इनके बीच का गैप कितना आ गया बेटा? 3 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? क्वेश्चन बता दिया कि दोनों बॉडीज पे जो चार्ज आएगा वो कितना बेटा? 2 × 10⁻⁸। ठीक, तो दोनों बॉडीज पे चार्ज बेटा 2 × 10⁻⁸ है। तो अगर ऐसा होता है ये दोनों बॉडीज रब करने का एक दूसरे के पास आ जाती हैं, तो क्वेश्चन पूछा गया था बेटा जो बॉल्स है इनका मास बताइए कितना होगा। एक चीज बेटा और दी गई है, ये जो थ्रेड है ये आपका 20 सेंटीमीटर लेंथ का है, चाहे लेफ्ट वाला थ्रेड हो चाहे राइट वाला थ्रेड हो। क्लियर? जरा बताइए आंसर क्या आएगा। बड़ा सिंपल सा है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर सस्पेंशन पॉइंट थे, एक दूसरे के अगेंस्ट रब करके बेटा आपने चार्ज किया। अब इक्विलिब्रियम में दोनों बॉल पास आ जाएंगे, एक पे प्लस एक पे माइनस। तो क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया था बेटा यहाँ पे जो भी बॉडी है चाहे वो प्लस हो या माइनस, उस पे नेट फोर्स कितना आ रहा होगा? सो नेट फोर्स पता है, मास की वैल्यू क्या होगी? कैसे करोगे बच्चे? आप बच्चे से देखो, ये जो बेटा आपने दो बॉडीज ली बेटा, अगर आप डायग्राम इनका बच्चे अच्छे से बनाओ, तो सस्पेंशन पॉइंट पे इनके बीच का गैप 5, इक्विलिब्रियम में इनके बीच का गैप 3। तो आप बेटा इसको यहां तक एक्सटेंड कर दीजिए, ये प्लस आ गया, आप यहां तक एक्सटेंड कर दीजिए, यहां पे
माइनस आ गया, ठीक। तो एक बात पक्की, ये प्लस माइनस को, प्लस माइनस को अपनी तरफ खींच रहा होगा कुछ फोर्स एफ से, ये खींचेगा और सेम फोर्स आपका बच्चे यहाँ पे आ गया, ये दो फोर्स एफ आ गए। आपको पूछा अगर सर यहाँ पे एंगल कितना ले लें बेटा हम, यहाँ पर लेट्स से ये एंगल थीटा है, तो थ्रेड का वर्टिकल के साथ एंगल अगर देखोगे तो थीटा ही तो आएगा ना, ये थीटा आ गया। अब बॉडी से फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे बच्चे, आप अच्छे से ध्यान दोगे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा होगा, एक जो बॉडी आपने लिए बेटा उसका एक वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नो डाउट इस पे भी आएगा क्योंकि दो फोर्स उसमें एक जैसे आ गए दोनों में, मास सेम माना है ना बेटा इसलिए। तो सर यहाँ पे थ्रेड भी कैसा आएगा बेटा बोलो, सर एक फोर्स आपका यहाँ पे आ गया ये वाला देखो, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, एक वेट आ रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक थ्रेड का टेंशन आ रहा होगा। तो थ्रेड का टेंशन बेटा अगर आपका यहाँ पे मैं टी दिखा दू, यहाँ पे टी दिखा दू, तो क्या मुझे बेटा दो डायग्राम्स पढ़ने की जरूरत है या एक से ही काम चल जाएगा? सर आइडेंटिकल है तो हमारा एक से काम चलेगा। अब जो बेटा थ्रेड आ रहा था इसका अपवर्ड कंपोनेंट निकालोगे और लेफ्ट वर्ड निकालोगे, mg का डाउनवर्ड निकालोगे, तो t का अपवर्ड कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, t cos थीटा, t sin थीटा, और एक बेटा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इधर था जिससे आपका t cos sin थीटा बैलेंस करेगा। तो बताओगे बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, t sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, f के इक्वल, t cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल। आपको बेटा कहीं से भी इंटरेस्ट टेंशन में था नहीं, तो tan थीटा की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, फोर्स डिवाइड बाय mg। अब बात करते हैं फोर्स कैसे निकालोगे बच्चे, तो फोर्स या फिर mg का आंसर लिख दो ना, mg कितना हो जाएगा, f डिवाइड बाय tan थीटा, mg कितना हो जाएगा, f डिवाइड बाय tan थीटा, mg कितना होगा, f डिवाइड बाय tan थीटा, ये क्लियर है? तो अगर बात की जाए बेटा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आपके पास आ गया तो कितना होगा, k Q1 Q2 divided by square tan theta, K बोलो कितना होगा 9 10 to power 9, charges बोलो बच्चे कितने आए यहाँ पर, ये जो दो body पे charge लिया था बेटा कितना आ गया 2 into 10 to power minus 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 into 10 to power minus 16, है ना, Q1 Q2 देखो ना बेटा charge इतना आ रहा था, और distance कितनी बेटा, initial distance कितनी भी रही हो इक्विलिब्रियम में डिस्टेंस बेटा इनके बीच का 3 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे आपके 9 into 10 to power minus 4 आ गया। और tan थीटा कैसे निकालोगे, सबको पता है बेटा इस डायग्राम में अगर देखो तो sin थीटा अगर ये पूरा गैप 5 था और ये अभी भी 3 बचा है तो ये तो एक ही हुआ ना, ये अगर एक है और थ्रेड की लेंथ बेटा आपको दी गई यहाँ पे तो कितनी आ रही, थ्रेड की लेंथ मुझे शायद 20 सेंटीमीटर दी गई, तो sin थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/20, sin theta 1/20 आएगा small value, तो approximately tan theta भी कितना आएगा 1/20, small angles के लिए sin theta tan theta same होते थे, tan theta की value बेटा कितनी आ गई यहाँ से 1/20, कुछ cancel हो सकता है sir, 9 cancel, है ना, और ये पूरा value solve करेंगे तो आपको यहाँ पे mass की value मिल जाएगी, clear कि body का mass कितना होना चाहिए, ये question clear है।